भागलपुर पुलिस ने महज 9 घंटे के भीतर एक लूट कांड का सफल उद्भेदन किया है। पुलिस ने कपड़ा व्यापारी से लूट मामले में 3 कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने अपराधियों के पास से लूटे गए रुपए, 2 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। मंगलवार को भागलपुर SSP आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पकड़े गए अपराधियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। SSP ने बताया कि मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर रेलवे फाटक के समीप कपड़ा व्यापारी से सोमवार की देर रात हथियार के बल पर अज्ञात अपराधियों ने पैसे और मोबाइल फोन लूट लिए थे, जिसके बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए मधुसूदनपुर थाने में सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और सिटी DSP अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। वहीं टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों ने CCTV फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर महज 9 घंटे के भीतर इस लूटकांड में शामिल 3 अपराधी को दबोच लिया। SSP ने कहा कि पुलिस ने जगदीशपुर थाना क्षेत्र से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लूटे गए पैसे, 2 मोबाइल, 3 देसी कट्टा, 13 कारतूस और घटना में प्रयुक्त UP नंबर की बाइक को भी बरामद किया गया है। SSP ने बताया कि तीनों गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। वहीं नाथनगर के नूरपुर में हुए डबल मर्डर मामले में रुपेश यादव पहले से ही आरोपी था और वह पुलिस की पकड़ से फरार चल रहा था। SSP ने बताया कि इस लूटकांड के सफल उद्भेदन में शामिल पुलिस पदाधिकारियों को 20,000 रुपए नगद राशि से पुरस्कृत किया गया है। बड़ी सफलता भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है और जिसमें कुल 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और 4 हथियार की बरामदगी की गई है, जिसमें 3 कट्टा है और 1 पिस्टल है और 13 कारतूस है। इसके साथ ही साथ कल एक घटना हुई थी शाम को, एक मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत नूरपुर फाटक रेलवे स्टेशन के बगल में, वहाँ पे कपड़ा व्यवसायी हैं और उनके गल्ला से कुछ पैसे की लूट हुई थी और उसमें 3 अपराधियों के द्वारा हथियार के बल पर यह लूट की गई। और ये घटना जैसे ही हम लोग के संज्ञान में आई तो SDPO सिटी अजय चौधरी जी के नेतृत्व में एक टीम बनी, जिसमें कि SHO मधुसूदनपुर सफदर अली थे, इंस्पेक्टर रंजीत DIU के और सब इंस्पेक्टर आदर्श, राकेश, राहुल, हवलदार मनोज शाह, सिपाही अभिमन्यु प्रकाश, पप्पू, युगल किशोर मंडल और राजा राम महतो। ये एक टीम थी जिसने इस घटना पर काम करना प्रारंभ किया और घटना घटित होने के चंद घंटों के भीतर ही इसमें शामिल जितने 3 अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई और इसके साथ ही साथ जो घटना में लूटा हुआ मोबाइल था उस मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की गई और घटना में जितने पैसे की लूट हुई थी, 51,000 रुपये की लूट हुई थी, उस पूरे पैसे की भी बरामदगी सुनिश्चित की गई और घटना में प्रयुक्त जो बाइक थी, एक UP के नंबर की बाइक है, उसकी भी बरामदगी सुनिश्चित की गई। ये जो 3 अपराधी हैं, रुपेश, विकास और आशीष, इन तीनों का आपराधिक इतिहास है। रुपेश, आप सभी लोगों को याद होगा कि मधुसूदनपुर में एक डबल मर्डर हुआ था 67/24 जिसकी कांड संख्या है, उसमें भी ये वांछित था, जिसमें अन्य अभियुक्तों को जेल में भेजा जा चुका है। रुपेश का कुल 5 कांड अभी तक हम लोग को उसका जो आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है, जिसमें एक हत्या का कांड है और 2 रंगदारी के कांड हैं, एक आर्म्स एक्ट का है और एक NDPS एक्ट का। इसी प्रकार विकास के ऊपर भी 5 कांड पूर्व से दर्ज है, इसमें एक डकैती का है, एक लूट का है, एक आर्म्स एक्ट का है, एक विस्फोटक अधिनियम का है और एक रंगदारी का है। आशीष पे भी 2 कांड पूर्व से बबरगंज थाने में अंकित हैं, जिसमें वो जेल जा चुका है। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा 3 कुख्यात अपराधियों की भी गिरफ्तारी की गई, लूटे हुए सारे पैसे की बरामदगी की गई, लूटे हुए मोबाइल की बरामदगी की गई, इसके साथ ही साथ 4 हथियार, जिसमें 3 कट्टा और 1 पिस्टल और 13 कारतूस की बरामदगी सुनिश्चित की गई है। और इस पूरे घटना के त्वरित उद्भेदन के लिए और इस अच्छी उपलब्धि के लिए जो टीम है उसको 20,000 रुपये का नगद पुरस्कार से भी हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं। भारत के अद्वितीय स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आज उसी महापुरुष चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती है। इस अवसर पर भागलपुर जिले के तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने आदमपुर चौक स्थित आज़ाद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी।
जयंती और महाश्रद्धांजलि के मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार शाह, पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं समारोह में शामिल सभी लोगों ने आजाद के आदर्शों और उनके बलिदान को याद किया और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। बता दें कि आजाद की यह जयंती हमें उनके साहस और दृढ़ संकल्प की याद दिलाती है और हमारे देश के प्रति हमारे कर्तव्यों का पुनः स्मरण कराती है। आज देश के महान क्रांतिकारी योद्धा चंद्रशेखर आजाद जी की जन्म जयंती का अवसर है और इस पुण्य अवसर पर हम सभी यहां पर उन्हें पुष्पांजलि और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की आजादी की लड़ाई में वो एक महान योद्धा के रूप में, एक दृढ़ प्रतिज्ञ नेता के रूप में, ईमानदार सोच के साथ जो जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, यहाँ तक कि अपने जानों की आहुति, प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे अन्य योद्धा थे चंद्रशेखर आजाद जी। और एक बार जब वो अंग्रेजों के द्वारा पकड़े गए तो उन्होंने अपना नाम भी आजाद बताया, अपने पिता का नाम स्वतंत्रता कहा और अपने निवास के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि हमारा निवास जेल है। तो जिन्होंने ऐसे महान विभूति जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वस्व विचार कर लिया, ऐसे चंद्रशेखर आजाद जी की जन्म जयंती के अवसर पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि समर्पित। तो बाल बाल झड़ रहे हैं, गंजेपन के शिकार से बचना चाहते हो तो आ जाओ फिर इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन। ये सीधा तिलका मांझी चौक से आपको खानपट्टी वाले गली में मिल जाएगा। जब तुम सीधा अंदर आओगे तो फिर आ जाओगे इंस्टेंट हेयर सॉल्यूशन और देख लो अंदर का इंटीरियर लाजवाब है और यहाँ के रिजल्ट देख के तो मतलब मजा ही आ जाएगा। ये देखो है ना, तो आ जाओ फिर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप इस वीडियो के थ्रू वहाँ जाते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। एंड गो फॉर इट, मजा आ जाएगा। हमारा पता है खानपट्टी रोड, तिलका मांझी चौक, भागलपुर। मोबाइल नंबर 6200643686। भागलपुर जिले में पिछले 3 दिनों से होमगार्ड जवान अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी जवान काला बिल्ला लगाकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और आज तीसरे दिन भी यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है और उसे नींद से जगाने के लिए होमगार्ड के जवान आगामी 5 अगस्त को जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। होमगार्ड जवानों ने यह चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे आगामी 31 अगस्त को राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन की योजना सरकार पर दबाव बनाने के लिए की जाएगी ताकि उनकी जायज मांगों को पूरा किया जा सके। दरअसल होमगार्ड जवानों की प्रमुख मांगों में वेतन वृद्धि, स्थायी नियुक्ति और सेवा शर्त में सुधार शामिल है। होमगार्ड जवानों का कहना है कि वे वर्षों से अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन अब तक उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है। प्रदर्शन के दौरान होमगार्ड जवानों ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि वे अपने अधिकारों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। मौके पर प्रदर्शनकारी जवानों ने एकजुटता का परिचय देते हुए कहा कि वे तब तक संघर्ष जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। सरकार की ओर से कोई शुभ समाचार हम लोगों को नहीं मिला है। हमारा मांग है कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली उच्च न्यायालय पटना के आदेश के आलोक में कि समान काम का समान सुविधा जो पुलिस को दिया जाता है वो 17 से हम लोगों का मिला हुआ है कोर्ट के द्वारा, लेकिन सरकार उस पर आज तक हम लोगों के साथ अनदेखी करता रहा। सरकार का उस आदेश के आलोक में उदासीन रहा, सतेलापन व्यवहार रहा, जिसके कारण केंद्रीय समिति पूरे बिहार के गृहरक्षकों ने केंद्रीय समिति में जाकर निर्णय लिया कि यदि सरकार हमारी मांगों को अनदेखी कर रही है, हमारी मांगों को पर कोई काम नहीं कर रही है तो हम लोग इस पर बैठकर निर्णय लें और पूरे बिहार में चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया। नाम बताइए।
सावन का महीना आते ही अजगैवी नाथ नगरी सुल्तानगंज भक्ति और भजनों से गुंजायमान हो उठी है। श्रावणी मेला के उद्घाटन समारोह में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और माहौल भक्तिमय हो गया है। प्रत्येक सोमवार की रात भक्तों को झुमाने के लिए देश के प्रसिद्ध गायकों को बुलाया जाता है और इस बार पहली सोमवारी पर प्रसिद्ध गायक हंसराज रघुवंशी ने अपने गायकी से ऐसा समा बांधा कि पूरा सुल्तानगंज झूम उठा। दरअसल हंसराज रघुवंशी ने अपने सुरों से श्रावणी मेले में ऐसा जादू बिखेरा कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने सबसे पहले जय शिव शंकर जय जय शंकर गाना गाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। इसके बाद ओम नमः शिवाय और कई अन्य भजनों की प्रस्तुति दी जिसने हजारों दर्शकों के दिल को छू लिया। वहीं सुल्तानगंज में जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और SSP आनंद कुमार समेत सभी अधिकारी भी इस भव्य आयोजन का हिस्सा बने और गायक की प्रतिभा की जमकर सराहना की। हंसराज रघुवंशी की मधुर आवाज ने श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इधर कार्यक्रम के दौरान प्रशासन की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।